हेलो दोस्तों, मैं जी के प्रीत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यदि आप टीजीटी या पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बंगाल शैली को शुरू किया था, आज हम बंगाल शैली के कलाकार अर्षित कुमार हलदार जी को पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अर्षित कुमार हलदार का समय 1890 से 1964 ईस्वी था। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 10 सितंबर 1890 ईस्वी में जोरा शांगो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? 13 फरवरी 1964 ईस्वी लखनऊ में हुई। इनके पिता का क्या नाम था और वह कौन थे? सुकुमार हलदार कला में निपुण थे। इनके बाबा राखलदास हलदार ये लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राचार्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका उपनाम कवि कलाकार था। अर्षित कुमार हलदार का कौन सा चित्र है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? घायल बच्ची के साथ सिद्धार्थ। अर्षित कुमार हलदार के शिक्षण कार्य 1911-1923 ईस्वी तक शांति निकेतन के कला भवन में प्रधानाचार्य रहे। सन 1923 ईस्वी में अध्ययन के लिए अर्षित कुमार हलदार इंग्लैंड, फ्रांस, इटली चले गए थे। सन 1924 ईस्वी में यह जयपुर कला विद्यालय के पुनः प्रधानाचार्य बने। सन 1925-1945 ईस्वी के मध्य अर्षित कुमार हलदार लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बने। अर्षित कुमार हलदार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अर्षित कुमार हलदार की प्रमुख पुस्तकें हैं अवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशन। अर्षित कुमार हलदार जाने जाते हैं आधुनिक कलाकार के रूप में। अर्षित कुमार हलदार का प्रसिद्ध चित्र था ध्रुव। ध्रुव चित्र को कब और किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? सन 1914 ईस्वी में मिथ ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पुस्तक में। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, संगीत की लौ। अर्षित कुमार हलदार को 1941 ईस्वी में किसने सम्मानित किया और कौन सी उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने और राय साहब की उपाधि दी। अर्षित कुमार हलदार की कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में। अर्षित कुमार की प्रारंभिक रचना किस पर अंकित है? भित्ति चित्रों पर। अर्षित कुमार हलदार का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? जगई मगई, संथाल परिवार। जगई मगई चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। अर्षित कुमार हलदार के चित्र किस पर बने हैं? लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर। अर्षित ने अपने चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया? जल रंग, तेल रंग तथा टेम्परा। अर्षित कुमार चित्र के अतिरिक्त और क्या थे? कवि तथा बंगला गीतकार। मेघदूत और ऋतु संहार का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? अर्षित कुमार हलदार ने। अर्षित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने 1910 में अजंता की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में बनाई? लेडी हरिंगम। लेडी हरिंगम का पूरा नाम क्रिस्टियाना जैन हरिंगम। अर्षित कुमार हलदार की चित्र शैली कैसी थी? गीतात्मक। इनकी रेखाओं में ध्वनि गूंजती थी। अर्षित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार की? 1914 ईस्वी में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। अर्षित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कौर के साथ। अर्षित कुमार हलदार के साथ के द्वारा अर्षित कुमार हलदार के द्वारा बनाई गई अजंता प्रतिलिपियां कहाँ हैं? साउथ कैसिंगटन म्यूजियम, लंदन। अर्षित कुमार हलदार के द्वारा बनाई गई जोगी मारा की प्रतिलिपियां कहाँ हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग, दिल्ली। अर्षित द्वारा बनी बाघ प्रतिलिपियां कहाँ हैं? ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में। छितेंद्र वैष्णव विषय में सिद्ध हैं, मैं मुगल विषयों में सिद्ध हूँ, नंदलाल पौराणिक विषयों में, किंतु अर्षित कुमार हलदार असीम है, यह कथन किसने कहा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तुम चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी हो, तुम्हारी लूटिका से तो रस की धारा बहती है, यह कथन किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तुमने मिट्टी में भी प्राण फूंक दिया है, रूप तो मेरा किंतु आनंद तुम्हारा, यह कथन
कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अर्षित कुमार हल्दार से। लाशिट या लॉन्स किससे कहते हैं? लकड़ी पर लाख से वार्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लाशिट कहते हैं। लाशिट या लोशन की जन्मदाता कौन है? अर्षित कुमार हल्दर। अर्षित कुमार हल्दर के प्रमुख चित्र ध्रुव, अशोक पुत्र, कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा माता, माँ, चंद्रमा और कमल। अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चैत्य और डाकू, संगीत, संथाला लोक नृत्य, जगई मगई, रासलीला, नववधु, कच्छ देवयानी, चौखट पर ऋतु सन्हा, द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, संगीत की लौ, राय राजा, लोटस, प्रमाण, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, मेघदूत, छह अस्तित्व, रामायण, महाभारत, अल्लड़, यौवन, वसंत विहार, उमर ख्याम, यह अर्षित कुमार हल्दार के प्रमुख चित्र हैं। इसमें से द फ्लेम ऑफ म्यूजियम, ध्रुव और संथाल परिवार इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।